मेरा सभी से ही निवेदन है कि कोरोना के संकट में जो भी गरीब हैं, जो भी मजदूर हैं, उनके लिए भरपूर मदद करें, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उनको उनके साथ रहें। मैं ये भी विशेष निवेदन करूंगी कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूरी तरह से फॉलो करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि जिलाध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष के बाद सेक्टर इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज के बाद बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं। हालांकि ये राजनीतिक कारणों से बने हुए थे, लेकिन आज संकट का समय है तो हम अपने पार्टी के इसी कड़ी को प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि हमें घर बैठे या अपने क्षेत्र में बैठे हुए ये पता नहीं लगता कि कौन जरूरतमंद है या कौन नहीं है। जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है उसे जरूर पता होता है कि 1000 जो उनके पास लिस्ट है उसमें कितने लोग जरूरतमंद हैं। 1000 व्यक्तियों में अगर हम सोचें तो लगभग 300-350 फैमिली आ जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा 400 परिवार होंगे। और एक व्यक्ति के लिए 400 परिवारों के बारे में जानना आसान रहता है कि कौन जरूरतमंद है या कौन जरूरतमंद नहीं है। तो सभी बूथ अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि अपने सेक्टर इंचार्ज या अपने मंडल अध्यक्ष को अपने आसपास रहने वाले परिवारों की परेशानी बताएं, और खास तौर से यदि किसी व्यक्ति के घर में राशन नहीं है तो वो जरूर बता दें। किसी न किसी माध्यम से हम लोग उन तक राशन पहुंचाएंगे, क्योंकि एक जगह से राशन देने में बहुत भीड़ इकट्ठी होती है और वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो पाती, तो इसलिए राशन उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। और सभी से निवेदन है कि खास तौर से जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को, उन मजदूरों को विशेष ध्यान दें, क्योंकि जिनका राशन कार्ड है उनको सरकार ने 1 तारीख से 25 तारीख तक राशन देने की व्यवस्था सुचारू रूप से चला दी है। साथ ही साथ मैं सभी अपने बूथ अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, सेक्टर इंचार्ज, प्रकोष्ठ, प्रकल्प के सभी पदाधिकारीगण, अपने मोर्चों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण, इन सबसे निवेदन करूंगी कि अपने क्षेत्र की, अपने एरिया के राशन जो डीलर है, राशन की दुकान में जो राशन वितरण हो रहा है उसमें उस दुकानदार की मदद करें। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उसमें लोगों को खड़ा करें, लाइन की व्यवस्था करें, व्यवस्थित करें, और राशन में कोई अनियमितता तो नहीं है उसके लिए भी देखें। मेरा आपसे ये कहने का अभिप्राय है कि हम राशन की दुकान में सहयोगी बनके काम करें, और यदि कोई आपको गंभीर समस्या नजर में आती है तो आप मुझे भी फोन कर सकते हैं, मंडल अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष जी को भी फोन कर सकते हैं।